गलवान की जंग में चीनी सैनिकों की कंबल कुटाई के बाद से अब तक चीन दर्द से उबर नहीं सका है। 95 दिनों के बाद भी दर्द बरकरार है और अब चीन ने यह माना है कि गलवान में भारत के बलवानों ने बहुत बुरी तरह मारा था। चीन की सरकार ने पहली बार यह कबूल किया है कि गलवान की जंग में उसके सैनिक भी मारे गए, वरना अब तक चीन अपनी हार और हताहत सैनिकों की संख्या को लगातार छुपाए रख रहा था। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने माना कि गलवान की घाटी में हुई जंग में चीनी सैनिकों को नुकसान पहुंचा है और उसके कुछ जवानों की जान गई। सवाल यह है कि आखिर चीन ने क्यों कबूला कि उसके सैनिकों की जान गई। सवाल यह भी है कि आखिर चीन अब तक अपने सैनिकों की मौत पर पर्दा क्यों डाले रखा था। 15 जून को गलवान की घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच खूनी झड़प हुई। चीन के सैनिकों ने रात के समय धोखे से कांटेदार तारों से लिपटे रॉड और डंडों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत ने पलटवार करते हुए चीन के 45 सैनिक मार गिराए। लेकिन चीन की शी जिनपिंग सरकार गलवान में पीएलए की पिटाई पर एकदम चुप रही, क्योंकि उसे अपनी हार के मातम से ज्यादा डर चीनी जनता के बीच बेइज्जती का था। यही वजह थी कि चीन ने गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की ना तो संख्या को सार्वजनिक किया और ना ही उनके परिवार वालों को पारंपरिक रूप से अंतिम संस्कार करने की इजाजत दी। दरअसल सैनिकों की मौत के ताबूतों को देखकर जिनपिंग सरकार की करतूतों पर सवाल उठते, इसीलिए कोरोना महामारी का हवाला देकर चीन की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सैनिकों के परिवारों को अकेले में सुनसान इलाके में अंतिम संस्कार करने को कहा। लेकिन चीन की यह चालाकी दुनिया से छिप नहीं सकी। अमेरिकी समाचार पत्र न्यूज वीक ने खुलासा किया कि गलवान की जंग में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। न्यूज वीक ने लिखा कि भारतीय जवान बहादुरी से लड़े और चीन ने अपने साथ हुए नुकसान को नहीं बताया। वहीं द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के वीडियो सोशल मीडिया के जरिए चीन की जनता तक लगातार पहुंच रहे हैं। बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय। दरअसल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में आधिकारिक बयान के बाद चीन की चुप भी टूट पड़ी। रक्षा मंत्री ने संसद में बयान देकर बताया कि इस साल अप्रैल में पूर्वी लद्दाख की सीमा पर चीन ने न सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाई बल्कि हथियारों का जमावड़ा भी बढ़ाया। मई महीने में चीन ने भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से रोका, तो मई महीने में ही चीन ने वेस्टर्न सेक्टर और पेंगोंग लेक में घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन 15 जून को चीन ने हिंसा का प्रयोग किया जिसमें भारत के जवान शहीद हुए, तो चीन की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन अब चीन का ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि गलवान की जंग में चीन का नुकसान भी हुआ है और चीनी सेना को अपने जवानों के ताबूत उठाने पड़े हैं। ये चीन पर भारत की पहली जीत ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत भी है। चीन ने एलएसी पर युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है और वो सर्दियों की फिराक में बैठा है। चीन की चालाकियों को देखते हुए सर्दियों में युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। चीन का सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स बार बार सर्दियों में देख लेने की धमकी दे रहा है। अगले महीने से बर्फबारी शुरू होने की वजह से लेह और लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारी अभी से तेज हो गई है। सेना के लिए सर्दियों का सामान तेजी से जुटाया जा रहा है। सेना अब ऊंची चोटियों पर लॉन्ग हॉल्ट के लिए तैयार है। ऐसे में सेना अब कम से कम एक साल के युद्ध की तैयारी कर रही है और सरहद पर सर्दियों के टेंट, कपड़े, खाने पीने का सामान इकट्ठा किया जा रहा है। वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर जरूरी सामान पहुंचाने के लिए लेह एयरबेस पर लगातार उड़ाने भर रहा है। फाइटर जेट्स पूरी तरह से तैयार हैं। सेना की टुकड़ियों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। चीनी दादागिरी का माकूल जवाब देने के लिए ही अब फिंगर फोर की टॉप चोटियों पर भारत का कब्जा है। चीनी घुसपैठ पर पलटवार करते हुए अब भारत का पेंगोंग झील के दक्षिणी पहाड़ियों की 5 प्रमुख चोटियों हेलमेट, काला टॉप, कैमल्सबैक, गुरुंग चोटी और रेटिनला पर भारत का कब्जा है, जो कि एलएसी पर रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण चोटियां हैं और चीन इस वजह से बिलबिला रहा है।